हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IES-GATEWiz। आई एम आशीष वर्मा। इस वीडियो में गुप्ता एंड गुप्ता के स्टील स्ट्रक्चर के क्वेश्चन नंबर 61 से 70 तक डिटेल में कॉन्सेप्ट्स साथ डिस्कस करूंगा और जो भी एसोसिएटेड कॉन्सेप्ट्स हैं इन क्वेश्चंस के साथ साथ वो भी डिस्कस करता चलूंगा। सो, जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं उनके लिए आपको ये बहुत हेल्पफुल होगा। सो, मेरा वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखें। सो, क्वेश्चन नंबर 61 है, नॉर्मली द एंगल ऑफ रूफ ट्रस विथ एस्बेस्टस शीट शुड नॉट बी लेस देन। तो जो हमारा रूफ ट्रस है, यहाँ पर मैंने दिखाया हुआ है सैंपल के तौर पे, तो यहाँ पे थोड़े से मैं दो तीन टर्म्स बात कर लेता हूँ कि जो हमारा पिच होता है, पिच ऑफ रूफ ट्रस डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ रूफिंग मटेरियल और फॉर एस्बेस्टस सीमेंट शीट्स, जो हम रूफिंग मटेरियल इसके ऊपर हम रूफ मटेरियल डालेंगे शेड की तरह, तो एस्बेस्टस शीट्स के लिए हमारा जो राइज रिकमेंडेड है मिनिमम, दैट इज 1:12। और जो हमारा जीआई सीट्स है, बिकॉज इनकी जो बेंडिंग स्ट्रेंथ है, रेजिस्टेंस है विंड के अगेंस्ट, ये ज़्यादा होता है, तो हम इसमें यहाँ पे मिनिमम राइज ज़्यादा रख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो स्लोप होगा वो स्टीपर होगा। तो यहाँ पर जो पूछ रहा है, यहाँ पर हमारा जो पिच है, पिच का मतलब ये है कि हमारा जो सेंट्रल राइज है डिवाइडेड बाई हाफ ऑफ दिस स्पैन, मीन्स पिच इज इक्वल टू सेंट्रल राइज डिवाइडेड बाई एल बाई टू, वेयर एल इज द, ये हमारे ट्रस की स्पैन है विच इज एल। तो यहां पर जो ट्रस दिखाया हुआ, ये फिंक ट्रस है, और यहां पर क्वेश्चन पूछ रहा है एंगल ऑफ रूफ ट्रस, मतलब ये एंगल जो है दैट शुड नॉट बी लेस देन, मिनिमम एंगल जो है हमारा, ये हमारा एस्बेस्टस शीट के लिए 30 डिग्री होना चाहिए, दिस इज रिकमेंडेड। तो करेक्ट आंसर जो होगा हमारा बी है इसका। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू मिनिमाइज द टोटल कॉस्ट ऑफ रूफ ट्रस द रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ ट्रस टू कॉस्ट ऑफ पर्लिंस शैल बी। तो पिछले वीडियो में मैंने डिटेल में इसके बारे में बात किया था कि एक रिलेशनशिप होती है जिसमें फॉर डराइविंग द इकोनॉमिकल स्पेसिंग ऑफ रूफ ट्रस, जिसके बेसिस पर हम ये चेक करते हैं कि हमारा जो रूफ ट्रस की स्पेसिंग आई है डिज़ाइन से वो इकोनॉमिकल है कि नहीं है। तो उसके लिए जो इक्वेशन डराइव होके आई थी वो थी टी इज इक्वल टू 2P+R। जो हमारा टी है, दिस इज द टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रस पर यूनिट एरिया, और ये हमारी जो कॉस्ट थी ऑफ पर्लिंस जो हमारी लगाई गई है रूफ ट्रस में पर यूनिट एरिया, उनकी कॉस्ट थी, और ये हमारी रूफ की कॉस्ट थी पर यूनिट एरिया। तो यहां पर जो रूफ की कॉस्ट होती है ये एज कंपेयर टू दिस कॉस्ट, हम इसको अगर नेग्लेक्ट कर दें तो फॉर मिनिमाइजिंग द टोटल कॉस्ट ऑफ रूफ ट्रस द रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ ट्रस डिवाइडेड बाय द कॉस्ट ऑफ पर्लिंस शैल बी इक्वल टू 2, अगर हमारा आर को हम टेंड्स टू नेग्लेक्ट मान लें। तो यहां पर करेक्ट आंसर जो होगा हमारा बी होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज रिगार्डिंग द पर्लिंस, जनरली द पर्लिंस आर प्लेस्ड एट अ पैनल पॉइंट सो एज टू अवॉइड। तो यहां पर मैं पर्लिन के बारे में डिटेल में डिस्कस कर लेता हूं कि पर्लिन जो होती है हमारी, दीज आर द बीम्स, ये जो यहां पे क्रॉस सेक्शन आपको दिख रहा है, ये हमारा चैनल सेक्शन दिख रहा है, दीज आर द क्रॉस सेक्शन ऑफ द पर्लिंस जो कि हमारे राफ्टर पे सपोर्टेड। अगर यहां पर हम देखें तो ये हमारा कहीं एक तरीके का ट्रस है, अगर मान लेते हैं हमारा ये ट्रस है, एंड दीज आर द प्रिंसिपल पॉइंट्स एंड पैनल पॉइंट्स। तो ये जो हमारे स्ट्रक्चर्स हैं, जो ये बी आपको बीम्स की तरह दिख रही हैं, दीज आर द पर्लिंस, और ये हमारा जो स्ट्रक्चर है, दिस पोर्शन इज कॉल्ड प्रिंसिपल राफ्टर। जो एंड वाली एज वाली पर्लिन होती है उसे हम ई पर्लिन बोलते हैं, जो कॉलम्स को हॉरिजॉन्टल मेंबर्स होते हैं इन्हें हम साइड वॉल गर्ड्स बोलते हैं, बैक साइड में जो हमारी मेंबर्स होते हैं उन्हें एंड वॉल गर्ड्स बोलते हैं, जो कि यहां पर ये मेंशन किया हुआ है, दीज आर द कॉलम्स। तो जो पर्लिन होती है हमारी, दे आर, इनका पर्पस ये होता है, दे आर प्रोवाइडेड ओवर दी ट्रस, ट्रस के ऊपर हम प्रोवाइड करते हैं, दिस इज द ट्रस एंड इसके ऊपर हमारे ये मेंबर्स प्रोवाइडेड हैं, आपको ब्लू कलर से दिख रहे हैं, तो दीज आर द पर्लिंस विच आर प्रोवाइडेड ओवर द ट्रस टू सपोर्ट, इस रूफिंग को सपोर्ट करने के लिए, जो हमारा रूफिंग मटेरियल है उसको सपोर्ट करने के लिए, एंड ट्रांसफर द लोड फ्रॉम दिस रूफिंग मटेरियल टू द पैनल पॉइंट्स। ठीक है, ताकि हमारा जो लोड हो दैट इज गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम रूफ्स टू द पैनल पॉइंट्स और देन टू कॉलम्स। तो दिस इज द फ्लो डायग्राम ऑफ
लोड ट्रांसफर, रूफ लोड से हमारा पर्लिन में आया, पर्लिन से हमारे ट्रस के जॉइंट में आया, देन हमारे सपोर्ट्स पे आया एंड देन हमारे कॉलम्स के थ्रू ग्राउंड में चला गया. दिस इज द फ्लो डायग्राम. तो हमारा दो तरीके के लोड्स एक्ट करते हैं. तो जो हमारा सिंस ये ट्रस है तो ऑल लोड इज बीइंग ट्रांसफर्ड टू दिस पैनल पॉइंट. ठीक है, तो जो हमारा वर्टिकल लोड है, दिस इज द ग्रेविटी लोड. ये हमारा अगर हम कोई भी सेक्शन मान लें, अगर हम चैनल सेक्शन मानते हैं इस तरह, अगर हमने प्लेस कर रखा है पर्लिन को, ये इसके हमने एक्सिस ले रखे हैं, तो ट्रस के परपेंडिकुलर हमारा जो लोड आएगा दैट विल बी विंड लोड. ठीक है, यहां पर मैंने दिखाया हुआ है कि ये परपेंडिकुलर टू दिस मेंबर होगा और जो हमारा ग्रेविटी लोड होगा, जो सेल्फ वेट या डेड लोड होगा, दैट विल एक्ट थ्रू द सीजी ऑफ द सेक्शन. ठीक है, तो वो हमारा इस तरह कुछ होगा एंगल थीटा पे. तो आप देखोगे कि अगर इसको हम रिजॉल्व करें तो यहां पे दो फोर्सेस आती हैं, एक फोर्स ये आएगी, तो दिस फोर्स, दिस हॉरिजॉन्टल फोर्स विल कॉज अ ट्विस्टिंग एक्शन. तो इसका मतलब जो हमारी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं पर्लिन पे, दीज आर दी बेंडिंग मोमेंट्स एज वेल एज हमारी ट्विस्टिंग बिकॉज ऑफ दिस कंपोनेंट ऑफ द ग्रेविटी लोड फोर्स. तो यहां पर जो बेंडिंग होगी इसको हम अनसिमेट्रिकल बोल, बिकॉज हमारी बेंडिंग और ट्विस्टिंग दोनों हो रही है, तो इस फेनोमेना को हम अनसिमेट्रिकल बेंडिंग भी बोलते हैं. और हमारी जो पर्लिन्स हैं दे कैन बी डिजाइंड एज अ सिंपल बीम्स की तरह डिजाइन कर सकते हैं, सिंपली सपोर्टेड बीम्स की तरह, या कॉन्टिन्यूस बीम्स की तरह डिजाइन करते हैं, या हम कैंटिलीवर के लिए डिजाइन करते हैं बीम की तरह डिजाइन कर. बट आप जैसे देख रहे हो जो मोस्ट सुटेड कंडीशन है वो कॉन्टिन्यूस बीम से, जो मोस्ट एक्यूरेट रिजल्ट्स आते हैं डिजाइन के, वहां पर कॉन्टिन्यूस बीम की तरह हम यूज करते हैं. और हमारा जो IS-800 है ये भी यही रिकमेंड करता है कि हमें इट शुड बी डिजाइंड एज अ कॉन्टिन्यूस बीम. ठीक है, अगर मान लो इट इज नॉट पॉसिबल कि जब हमारा जो स्पेसिंग है ट्रस के बीच में वो बहुत ज्यादा है, जब स्पेसिंग ज्यादा होगी तो इन दोनों के, ये हमारा जो स्ट्रक्चर है स्पेसिंग ज्यादा होने की वजह से हमारा जो सेक्शन होगा, तो वो हमारा सेक्शन लार्ज होने की वजह से वो अनइकोनॉमिकल हो जाएगा, हमारा कॉस्टिंग बढ़ जाएगी ट्रस की. तो उस चीज को ध्यान रखने के लिए हम करते क्या हैं, हम इंटरमीडिएट स्टिफनर्स, इंटरमीडिएट पर्लिन्स भी प्रोवाइड करते हैं सिचुएशन में. तो अगर कभी पूछा जाए कि आप कि इंटरमीडिएट पर्लिन्स प्रोवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बस उस केस में हमें करना ही होगा कि जो हमारे राफ्टर्स हैं जिस पर हमारी पर्लिन सपोर्टेड हैं, दिस इज द राफ्टर, दिस इज द प्रिंसिपल राफ्टर जिसके ऊपर हमारी पर्लिन सपोर्टेड रहेंगी, तो उनको हमें एक्सियल स्ट्रेसेस के साथ तो डिजाइन कर ही रहे थे, साथ साथ हमें उनको फ्लेक्सर के लिए भी डिजाइन करना होगा. बस ये चीज को आपको ध्यान रखना है. ठीक है, बट इट शुड बी ओनली फॉर लार्ज स्ट्रेस. एज मच एज पॉसिबल हमें प्रेफर करना है कि हमें पैनल पॉइंट्स में रखो टू प्रिवेंट दी डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ लोड्स एंड टू प्रिवेंट द बेंडिंग मोमेंट इन दी राफ्टर. बिकॉज अगर ये होगी सेंट्रिसिटी की वजह से, अगर हमारा कहीं यहां पे हम पर्लिन रख देंगे तो इट विल इंड्यूस अ बेंड काइंड ऑफ बेंडिंग एक्शन. अगर हम पर्लिन मान लो यहां रख देते हैं हमारा सेक्शन, तो इट विल इंड्यूस अ बेंडिंग मोमेंट एट दिस राफ्टर. तो करेक्ट आंसर जो होगा हमारा डी होगा. उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द बिल्डिंग्स हैविंग अ लो परमीबिलिटी द इंटरनल विंड प्रेशर एक्टिंग नॉर्मल टू द वॉल एंड द रूफ सर्फिस इज टेकन एज. यहां पर चार ऑप्शंस दिए हुए हैं इन्होंने, 0.2p, 0.5p एंड 0.7p, एंड p इज द बेसिक विंड प्रेशर. बेसिक विंड प्रेशर के बारे में मैं बात करूंगा डिटेल में. यहां पर मैंने दिखाया हुआ है कि एक बिल्डिंग है, यहां पे ये हमारा डायरेक्शन ऑफ विंड है, इट इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द सर्फेस एंड दिस इज द पॉजिटिव प्रेशर, यहां पर हमारा निगेटिव प्रेशर टू टू फॉर्मेशन ऑफ वेक्स काइंड ऑफ थिंग. तो जो हमारी परमिलिटी है, यहां पे परमिलिटी का मतलब क्या है ये समझ लेते हैं. जैसे कि हमारे सॉयल मैकेनिक्स में परमिलिटी का मतलब होता है ईज ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इन टू द सॉयल, यहां पर है हमारा इसका मतलब है स्टील स्ट्रक्चर में ईज ऑफ फ्लो ऑफ एयर इन टू द बिल्डिंग, कितने ईज से हमारी जो एयर है वो बिल्डिंग में फ्लो कर सकती है. ठीक है, तो जो हमारा ये डिपेंड करेगा हमारा जो इंटरनल प्रेशर इन विंड प्रेशर कोफिशियंट है जो कि एक्टिंग नॉर्मल टू द वॉल एंड रूफ सर्फेसेस है. जो वॉल है हमारी, यहां पर वॉल है, इज आर द वॉल्स एंड दिस इज द रूफ, तो ये हमारी डिपेंड करेगी किस पर, कि हमारा जो ओपनिंग है एरिया है
वो कितना है बिल्डिंग्स या वॉल्स या रूफ में, ओपनिंग एरिया का फंक्शन होगा। इट मीन्स ओपनिंग एरिया जितनी ज़्यादा होगी हमारी बिल्डिंग की परमिबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। तो IES 875 ने डिपेंडिंग अपॉन द ओपनिंग एरिया तीन कैटेगरीज में हमारा डिवाइड किया है हमारी बिल्डिंग्स को। उसमें पहली कैटेगरी है लेस देन 5% ओपनिंग एरिया इन दी वॉल्स एंड दी रूफ्स, हमारा दूसरा कैटेगरी है 5-20%, और तीसरा कैटेगरी हमारा ग्रेटर देन 20%। तो ये लो परमिबिलिटी बिल्डिंग है, ये मीडियम परमिबिलिटी बिल्डिंग्स है, एंड दिस इज द हाई परमिबिलिटी बिल्डिंग्स। इसके बेसिस पे हमारा इंटरनल प्रेशर कॉफिशियंट, विंड प्रेशर कॉफिशियंट डिसाइड करेगा। इसका पर्पस क्या होता है, इसको हमें जरूरत पड़ती है कि जो हमारे फोर्सेस निकालने होते हैं एक्टिंग ऑन वॉल्स एंड रूफ्स पर हमारी कितनी फोर्स लग रही है, तो वो निकाली जाती है डिफरेंस ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर कॉफिशियंट एंड इंटरनल प्रेशर कॉफिशियंट्स। ये हमारा एक्सटर्नल माइनस इंटरनल का जो डिफरेंस है प्रेशर कॉफिशियंट का, हमारा जो सरफेस एरिया है ऑफ दैट स्ट्रक्चर पार्ट, अगर वॉल का है तो हमें ये सरफेस एरिया लेनी होगी, दिस इज द AS, एंड द PZ यानी डिजाइन विंड प्रेशर। इससे हम स्ट्रक्चर में हमारा उस वॉल या उस रूफ पर हमारा कितना विंड फोर्स आ रहा है वो निकालेंगे। तो जो इंटरनल है वो तो डिपेंड करेगा परमिबिलिटी ऑफ बिल्डिंग पर, यानी विच इज अ फंक्शन ऑफ ओपनिंग इन एरिया। तो यहां पर क्लासिफाइड है यही चीज जो मैंने बताई, और डिपेंडिंग अपॉन दैट हमारा 0.2, 0.5, 0.7, दीज आर द फैक्टर्स। तो हमारा पॉइंट यहां पर लो परमिबिलिटी के लिए पूछ रहा है, इट मीन्स हमारा यहां पर 0.2 विल बी द करेक्ट आंसर, एंड इट इज बोथ प्लस एंड माइनस डिपेंडिंग अपॉन वो पॉजिटिव प्रेशर है या निगेटिव प्रेशर है। तो करेक्ट आंसर हमारा जो होगा प्लस माइनस 0.2, ठीक है। और ये पॉजिटिव निगेटिव प्रेशर कैसे डेवलप होता है इसके बारे में अभी डिस्कस कर लूंगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिलेशनशिप बिटवीन द इंटेंसिटी ऑफ विंड प्रेशर, जो हमारी विंड प्रेशर की इंटेंसिटी है, एंड द वेलोसिटी ऑफ विंड टेकन एज। तो हमारा IES 875 ने ये रिकमेंड किया है कि जो हमारा डिजाइन विंड फोर्स है वो क्या होता है, दैट इज CP इंटू AE इंटू PZ। तो जो CP होता है या CF बोल दो इसको, दिस इज द फोर्स कॉफिशियंट, ठीक है। इसे हम फोर्स कॉफिशियंट बोलते हैं कि कितनी हमारी डिजाइन विंड फोर्स है बिल्डिंग की डिजाइन के लिए हमें लेनी है जो, और हमारा ये इफेक्टिव एरिया है, इफेक्टिव फ्रंटल एरिया उस बिल्डिंग का, और हमारा ये है डिजाइन विंड प्रेशर, और जो डिजाइन विंड प्रेशर होता है ये हमारा होता है PZ इज इक्वल टू 0.6 VZ² वेयर जो हमारा PZ है डिजाइन विंड प्रेशर इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एट अ हाइट Z ग्राउंड लेवल से एक हाइट पे जहां पर हमें डिजाइनिंग करनी है जिस स्ट्रक्चर के लिए, एंड डिजाइन विंड वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड एट हाइट Z, ठीक है। तो आप देखोगे कि जो हमारा विंड प्रेशर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारा उस लेवल पर, जिस लेवल पर हमारा विंड प्रेशर देख रहे हैं उसी लेवल पर हमारी डिजाइन विंड वेलोसिटी कितनी है। डिजाइन विंड वेलोसिटी कैसे निकालते हैं इसके बारे में भी बात करूंगा। तो करेक्ट आंसर जो होगा हमारा इसका B होगा, एंड ये डिपेंड किस पर करता है, जो हमारा फोर्स कॉफिशियंट है ये डिपेंड करता है हमारा H/D रेशियो, मतलब हमारा शेप ऑफ बिल्डिंग क्या है इस पर डिपेंड करेगा। इसके अगेंस्ट वैल्यूज दी हैं हमारे IES 875 कोड में, आप वहां से रेफर कर सकते हो। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द लाइव लोड फॉर अ स्लोपिंग रूफ, एक स्लोपिंग रूफ है जिसके लिए लाइव लोड निकालना है विद अ स्लोप दिया है 15 डिग्री है, और ये भी दिया है कि एक्सेस इज नॉट प्रोवाइडेड टू द रूफ इज टेकन एज। तो यहां पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो पहले तो डेड लोड के बारे में बात कर लेते हैं, अगर डेड लोड हमसे पूछा जाता है इस क्वेश्चन में तो दैट इज प्रिमली एम्पेरिकल फॉर्मूला से जो हम कंसिडर करते हैं, सिंपल फॉर्मूला इज देयर स्पैन बाई 3 प्लस 5 इंटू 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दिस इज द डेड लोड विच इज टेकन फॉर द डिजाइन ऑफ द रूफ्स, दिस इज द प्रिलिमिनरी वैल्यू विच इज टेकन एंड इट इज गिवन बाय अ सिंपल एम्पेरिकल फॉर्मूला। और जो हमारा लाइव लोड के लिए जो कैलकुलेशंस हैं दे डिपेंड्स अपॉन द हमारा रूफ का स्लोप क्या है और हमारा एक्सेस प्रोवाइडेड है कि नहीं मेंटेनेंस के लिए। एक्सेस का मतलब है हम उस पर किसी भी मेंबर पर पहुँच कर उसका मेंटेनेंस कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इसके लिए IES 875 ने दो कैटेगरी में हमारा रूफ स्लोप के बेसिस पर रिकमेंड किया है लाइव लोड। तो अगर हमारी वैल्यू फ्लैट रूफ्स के लिए, जनरली फ्लैट रूफ्स
कि कैटेगरी का डेफिनेशन है कि जहां पर रूफ स्लोप जो हमारा ये राफ्टर के साथ जो इस हॉरिजॉन्टल मेंबर के साथ जो एंगल था मेन हॉरिजॉन्टल मेंबर विच फॉर्म्स द स्पैन ऑफ द ट्रस दैट इज लेस देन 10 डिग्री, उस केस में हमारे पास दो ऑप्शन होंगे, एक्सेस प्रोवाइडेड होगा या हमारे पास एक्सेस प्रोवाइडेड नहीं होगा। ठीक है, तो जब एक्सेस प्रोवाइडेड होगा तो उस केस में हमारा क्लियर कट हमें 1.5 न्यूटन पर मीटर, किलो न्यूटन पर मीटर, किलो न्यूटन में ध्यान रखना आपको, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आपको वैल्यू ले लेनी है। और जब एक्सेस प्रोवाइडेड नहीं होगा और रूफ स्लोप लेस देन अप टू 10 डिग्री है तो वहां पर हमें 0.7 किलो न्यूटन पर मीटर लेना है लाइव लोड। ठीक है, अब इसकी कैटेगरी में एक और कैटेगरी कि एक्सेस प्रोवाइडेड नहीं है और हमारा रूफ स्लोप जो है वो हमारा ग्रेटर देन 10 डिग्री है, ये वैल्यू ये है हमारी, और जब हमारा 10 डिग्री से ज्यादा है हमारा रूफ स्लोप और एक्सेस प्रोवाइडेड नहीं है तो उस केस के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, फॉर रूफ्स एंड परलिंस के लिए जो लाइव लोड होगा दैट विल बी इक्वल टू 0.75 माइनस 0.02 इंटू रूफ स्लोप थीटा माइनस 10 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और यहां पे इट शुड नॉट बी लेस देन 0.4 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मतलब मिनिमम हमें लाइव लोड जो लेना है किसी भी कंडीशन में दैट शुड नॉट बी लेस देन 0.4 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो अब यहां पे हमारा सिंस थीटा है इट इज ग्रेटर देन 10 डिग्री एंड एक्सेस इज नॉट प्रोवाइडेड वी शुड गो फॉर दिस इक्वेशन, तो यहां पे आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो 0.75 माइनस 0.02 थीटा माइनस 10, ये इक्वेशन याद रखो क्योंकि किसी बुक में नहीं दी हुई है, ये जो लैंग्वेज है उससे डिफाइंड है ये 0.02 माइनस थीटा हमारा 15 डिग्री है माइनस 10, तो आप इसे माइनस करोगे तो 0.75 माइनस 0.1 तो आपको जो वैल्यू मिलेगी दैट विल बी 0.65 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहां पे करेक्ट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन ए होगा। तो इस तरह आप किसी भी स्लोप के लिए आप वैल्यूज निकाल सकते हो डिपेंडिंग अपॉन कि एक्सेस हमारा प्रोवाइडेड है कि नहीं है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन द इंटरनल प्रेशर कोफिशिएंट ऑन वॉल्स फॉर बिल्डिंग्स विद लार्ज परमिलिटी, अभी जैसा मैंने डिस्कस किया था अब यहां पर परमिलिटी लार्ज है इसका मतलब हमारा जो ओपनिंग एरिया है दैट इज ग्रेटर देन 20% इन द वॉल आर रूफ, तो उस केस में जो हमारा इंटरनल प्रेशर कोफिशिएंट है दैट इज टेकन एज 0.7। यहां पे मैंने एक्सटर्नल और इंटरनल विंड प्रेशर दिखाया हुआ है, ये अगर हमारा कोई स्ट्रक्चर है और विंड हमारा इस डायरेक्शन से आ रहा है तो दिस इज द पॉजिटिव प्रेशर विच जिसका जो नेचर होगा वो पुश करने का नेचर होगा, विंड पुश कर रही होगी बिल्डिंग को, तो यहां पर आप देख रहे हो ये हमारा इट इज पुशिंग, तो ये वाला जो हमारा बिहेवियर है दैट इज पॉजिटिव प्रेशर एरिया हो जाएगा, और ये हमारा जो एरिया होगा ये हमारा लीवार्ड साइड है बिल्डिंग का क्योंकि विंड का डायरेक्शन इधर से हमने अज्यूम किया है, तो ये जो पोर्शन होगा ये हमारा लीवर्ड साइड जो होगा यहां पर हमारा सक्शन होगा, सक्शन का मतलब हमारा जो विंड प्रेशर होगा हम उसे निगेटिव मानेंगे एंड उसका नेचर जो होगा उसको अपलिफ्ट करने का होगा, मतलब पुल करने का होगा, विंड का नेचर खींचने का होगा अपनी तरफ, और पॉजिटिव प्रेशर में उसको बिल्डिंग को दबाने का होगा। तो फैक्टर्स क्या अफेक्ट करते हैं कि हमारा बिल्डिंग का ओरिएंटेशन कैसा है उसका, हमारी लोकेशन कहां पे है, और साइज ऑफ एनी ओपनिंग जो भी बिल्डिंग में ओपनिंग है उस पर भी ये डिपेंड करता है कि हमारे प्रेशर कोफिशिएंट्स क्या रहेंगे। ठीक है, तो अगर मैंने यहां पर लिया हुआ है ओपनिंग हम जिस डायरेक्शन से विंड आ रही है तो हमारा पॉजिटिव प्रेशर इंपैक्ट करेगी बिकॉज पुश करेगी जिस डायरेक्शन में ओपनिंग होगी, और यहां पर एयर अंदर जाकर इट विल एक्ट एज अ दिस विल कॉल्ड पॉजिटिव इंटरनल प्रेशर, कि जब हमारा ये अपलिफ्ट करने की कोशिश कर रही है तो इट इज पॉजिटिव इंटरनल प्रेशर, और जब ये दबाने की खींच रही है बिल्डिंग को अपनी तरफ तो इट इज निगेटिव प्रेशर। इसमें बस डिफरेंस ये कि यहां पर ओपनिंग जब विंड आ रही है तभी है और ये हमारा लीवर्ड साइड में जब हमारा ओपनिंग है तो हमारा जो नेचर होगा प्रेशर का वो चेंज हो जाएगा, अकॉर्डिंगली हमें इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर कोफिशिएंट निकालकर हम विंड प्रेशर निकालेंगे और जिसके बेसिस पे हम वॉल और या रूफ पर डिजाइन विंड फोर्स निकाल सकते हैं। उसके बाद है हमारा द बेसिक विंड स्पीड इज स्पेसिफाइड एट अ हाइट एच अबव द मीन ग्राउंड लेवल इन ओपन टेरेन, तो यहां पर एक ग्राफ दिखाया हुआ है मैंने जिसमें जो विंड वेलोसिटी एक तरफ है और एल्टीट्यूड यहां पर है, तो हम ये मानते हैं कि अप टू 10 मीटर मतलब 10 मीटर एल्टीट्यूड तक की, मतलब अगर हमारा ग्राउंड लेवल ये तो जो मीन ग्राउंड लेवल है वहां से 10 मीटर तक हमारी जो विंड वेलोसिटी है
वो हमारी कांस्टेंट है, ठीक है, ये हमारा अजम्पशन है, ठीक है। तो यहां पर अगर हम डायग्रामेटिकली इसको देखेंगे तो हमारा, तो 10 मीटर तक हमारी जो विंड वेलोसिटी इट विल रिमेन कांस्टेंट, ठीक है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी जिससे हम, और जो वेलोसिटी, अब ये लोकेशन टू लोकेशन चेंज होगी वैल्यू इसकी, इसकी जो मैग्नीट्यूड होगा इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस डिपेंडिंग अपॉन हमारा विंड स्पीड जोन्स, ठीक है, कि हमारा स्ट्रक्चर किस जोन में है जिसे हम विंड स्पीड जोन बोलते हैं, उसके बेसिस पे ये हमारी विंड स्पीड अलग होगी, ये हमें मेजर करनी होती है। तो जो हमारा बेसिक विंड स्पीड है दैट इज डिफाइंड एज अ स्पीड विच इज एट अ 10 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। उसके बाद हमारा क्या होता है, विंड वेलोसिटी बढ़ती है, इसका वेरिएशन दिखाया हुआ है इस तरह, जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे वैसे वैसे विंड वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। तो हमारा जो बेसिक विंड स्पीड है दैट इज कैलकुलेटेड एट अ 10 मीटर लेवल, और जो हमारा इसका यूज है इसके बारे में मैं डिटेल में बात कर लूंगा, ठीक है। तो यहां पर लिखा हुआ है द डायनेमिक प्रेशर ड्यू टू द विंड इज द काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द फ्लोइंग एयर एंड द डेंसिटी ऑफ एयर इज टेकन एज 1.2226 केजी पर मीटर क्यूब एंड दिस इज अ नॉमिनल और रेफरेंस वैल्यू ऑफ विंड प्रेशर एज द अबव इक्वेशन अज्यूम्स अ यूनिफॉर्म लैमिनर फ्लो ऑफ एयर एंड डज नॉट अकाउंट फॉर इफेक्ट्स ऑफ टर्बुलेंस एंड वेरिएशन विद द हाइट, ठीक है। इसका यूज क्या होता है कि जब हम डिजाइन विंड वेलोसिटी निकालते हैं उसके लिए हम अपना जो बेसिक विंड स्पीड है उसका यूज करते हैं, वो कैसे करते हैं अभी मैं डिस्कस करूंगा। रिगार्डिंग द रिस्क कॉफिशियंट इज देयर, तो जो हमारा डिजाइन विंड वेलोसिटी ग्राउंड से 10 मीटर पे, तो हमारी स्पीड जो विंड वेलोसिटी होगी दैट इज गिवन एज वीबी, ठीक है, ये हमारा मीन ग्राउंड लेवल है, मीन सी लेवल नहीं है, मीन ग्राउंड लेवल है। वहां से 10 मीटर ऊपर जाने पे जो हमारी स्पीड मिलेगी विंड की वो 10 मीटर होगी एंड दैट इज अज्यूम्ड एज अ कांस्टेंट, ठीक है। अब इसके ऊपर हमें जाना है, तो किसी भी हाइट पे, मान लेते हैं ये जेड हाइट पे जो हमारी विंड वेलोसिटी होगी दैट इज VZ, इसी और स्ट्रक्चर के किस पोर्शन पे हम डिजाइन कर रहे हैं, किसके लिए डिजाइन कर रहे हैं, तो जो हमें डिजाइन की वैल्यू निकालनी होगी दैट इज गिवन एज इन टर्म्स ऑफ बेसिक मीन स्पीड, तो विच इज मल्टीप्लाइड बाय 3 फैक्टर्स K1 K2 K3। अब इसमें जो K1 फैक्टर होता है इसको हम रिस्क कॉफिशियंट बोलते हैं या प्रोबेबिलिटी फैक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। जो हमारा K2 फैक्टर होता है इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम टेरेन हाइट एंड स्ट्रक्चर साइज फैक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। और जो हमारा K3 होता है दैट इज अ टोपोग्राफी फैक्टर, कि हमारी टोपोग्राफी कैसी है इस पर भी हमारे फैक्टर्स डिपेंड करेंगे। अब आते हैं K1 फैक्टर पे, विच इज कॉल्ड अ रिस्क कॉफिशियंट फैक्टर। तो जो रिस्क कॉफिशियंट फैक्टर होता है एज पर IES-875 ये दो चीजों का फंक्शन होता है, एक होता है हमारा जो मैक्सिमम हमारी डिजाइन लाइफ है स्ट्रक्चर की, मीन डिजाइन लाइफ ऑफ स्ट्रक्चर, और दूसरा ये डिपेंड करता है, ठीक है, दूसरा ये डिपेंड करता है कि हमारी उस लोकेशन पे हमारी बेसिक विंड स्पीड कितनी है, उसके साथ ये वेरी करता है। K1 रिस्क फैक्टर जो होता है, रिस्क कॉफिशियंट या प्रोबेबिलिटी फैक्टर, तो ये दो चीजों का फंक्शन हो गया। अब डिजाइन लाइफ इसका मतलब हो गया कितने इस टाइम के लिए हमारा विंड के अगेंस्ट स्ट्रक्चर एक्सपोज्ड है, ये इस पर डिपेंड करता है। तो हमारा IS-875 ये कहता है कि हमने अपनी बिल्डिंग्स को 4 कैटेगरीज में बांटा है। सबसे पहला बांटा है कि हमने जनरल बिल्डिंग्स हैं, जनरल बिल्डिंग्स या स्टील स्ट्रक्चर्स हैं, वहां पर हमारी जो मेन डिजाइन लाइफ है वो हम 50 इयर्स लेते हैं, जिसके लिए जो K1 वैल्यू है ये 1 होती है सारी फॉर ऑल VB वैल्यूज, ठीक है। दूसरा स्ट्रक्चर का क्लासिफिकेशन है दैट इज द टेम्परेरी, कोई हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं जो टेम्परेरी शेड्स वगैरह बनते हैं स्टील के, उनकी जो डिजाइन लाइफ ली गई है वो 5 ईयर्स ली गई है, उसके लिए अलग अलग विंड स्पीड के लिए हमारी डिफरेंट वैल्यूज आती हैं। थर्ड हमारा जो कैटेगरी है ये हमारी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स के लिए है, जिसकी कैटेगरी में हमारे हॉस्पिटल्स, हमारे जो थर्मल प्लांट्स होते हैं, पावर प्लांट्स होते हैं, ये सारी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स की कैटेगरी में आती, इनकी डिजाइन लाइफ ली गई है वो 100 ईयर्स ली गई है, और इन जनरल इनकी जो वैल्यूज होती हैं K1 की ये हमारी ग्रेटर देन
1 होती हैं एंड अराउंड इट इज 1.05 टू 1.08 इनकी जो वैल्यूज होती हैं। और जो चौथी कैटेगरी हमारी है बिल्डिंग्स की, उसमें हमारी वो बिल्डिंग्स हैं विच हैव लेस हजार्ड ऑफ एनी लाइक फायर का, इनका जो हजार्ड है ये हमारा कम हो, वैसी बिल्डिंग्स के लिए हम जो डिज़ाइन लाइफ लेते हैं दैट इज 25 ईयर्स। इन चारों के बेसिस पे हमारा बेसिक विंड स्पीड चेंज होगी लोकेशन वाइज, इन दोनों के बेस पे हम K1 वैल्यू फैक्टर कंसीडर करते हैं। और ये देखा गया है कि जो हमारी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू है K1 की दैट इज 0.672 1.08। ये आपको ध्यान रखना है, ये पूछा जा सकता है कि रिस्क कोफिशियंट की वैल्यू स्टील स्ट्रक्चर में डिजाइन स्पीड निकालने के लिए विंड की क्या हम लेते हैं, दैट इज 0.67 to 0.108 तक हो सकती है ये वैल्यू। तो इसके बेसिस पे हम अपना ये जो डिजाइन विंड स्पीड है वो निकाल लेते हैं, और जिसके बेसिस पे हम फिर डिजाइन विंड प्रेशर निकाल सकते हैं बाय दिस इक्वेशन 0.6 VZ² अब PZ निकालने के बाद हम डिजाइन विंड फोर्स निकाल सकते हैं। तो दीज आर इंटर रिलेटेड एंड कैसे हमें डिजाइनिंग में इंक्लूड करना है बहुत सारी अदर फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सो जो रिस्क कोफिशिएंट है डिपेंड्स अपॉन द मीन प्रोबेबल डिजाइन लाइफ एंड बेसिक विंड स्पीड। तो करेक्ट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन सी होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्सटर्नल विंड प्रेशर एक्टिंग ऑन अ रूफ डिपेंड्स अपॉन, तो जो डिग्री ऑफ परमिबिलिटी ऑफ रूफ मतलब ओपनिंग जो है हमारी वॉल्स में उसके ऊपर हमारा परमिबिलिटी डिपेंड कर रही है। तो जो ओपनिंग्स हैं ओपनिंग्स की जरूरत पड़ेगी जब हमारा इंटरनल विंड प्रेशर हम कैलकुलेट करेंगे। तो दिस इज मेंट फॉर इंटरनल प्रेशर कोफिशिएंट, ठीक है। हम एक्सटर्नल के लिए सिर्फ हमारा स्लोप ऑफ रूफ इज रिक्वायर्ड, सो करेक्ट आंसर बी होगा। यहां पे मैंने दिखाया हुआ है कि कैसे हमारा दो स्ट्रक्चर है लो प्रेशर और हाई प्रेशर, तो एक्सटर्नल विंड प्रेशर कैसे चेंज हो रहा है, यहां पर हमारा ये रूफ स्लोप था, यहां पर हमारा जो स्लोप है वो बिल्कुल हॉरिजेंटल है एंड विंड प्रेशर हैज टोटली चेंज। यहां पे जो ब्लू कलर में दिखा रहे हैं ये लो प्रेशर एरिया एंड हाई प्रेशर एरिया इसके अकॉर्डिंगली। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो एक्सटर्नल विंड प्रेशर है जिसका यूज हम कहां पर यूज कर रहे हैं फॉर डिटरमाइनिंग दी फोर्स ऑन इस वॉल पे, अगर हमें फोर्स निकालनी है विंड की या रूफ पे निकालनी है ये फोर्स, तो दैट विल डिपेंड अपॉन दी CPE CPI इनटू हमारा सरफेस एरिया क्या है उस स्ट्रक्चर मेंबर का और हमारा डिजाइन विंड प्रेशर क्या है। तो जो CPE की वैल्यू है ये हमारी डिपेंड करेगी कि जो बिल्डिंग का अगर हम ये हाइट मान लें दिस इज दी W एंड दिस इज H, तो जो हमारा फंक्शन होगा CPI वो दो चीजों का फंक्शन होगा, एक तो बिल्डिंग की जो हाइट है जिसे हम H लिख रहे हैं डिवाइडेड बाय दी विड्थ रेशियो H/W रेशियो पे डिपेंड करेगा, हमारा स्लोप का रूफ कितना है इस पर डिपेंड करेगा जो कि यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि विंड पैटर्न कैसे चेंज हो रहा है विंड प्रेशर का। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये विंड के एंगल पर भी किस डायरेक्शन में इंपैक्ट कर रही है विंड उस पर्टिकुलर मेंबर को स्ट्रक्चर के उस पर भी डिपेंड करेगा। तो ये तीनों फैक्टर्स हैं विच अफेक्ट्स, जिसके बेसिस पे हमारी IS-875 ने वैल्यूज रिकमेंड की हैं। तो इसमें स्लोप ऑफ रूफ इज द करेक्ट आंसर होगा और डिग्री ऑफ परमिबिलिटी ऑफ रूफ इज गवर्न्ड बाय कोफिशिएंट ऑफ इंटरनल प्रेशर, ठीक है। तो आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, इस तरह के वीडियोज मैं फर्दर बनाता रहूंगा। थैंक यू।